हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनिता शोकन पर स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज हमने किया था, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमने फॉरेक्स, फॉरेन से हमने लिया गया था FOR फॉर, और एक्सचेंज से लिया था EX। तो फॉरेक्स मार्केट भी हम इसको कह सकते हैं। तो फॉरेक्स का मतलब हमारा क्या था, फॉरेन करेंसी। तो वो मार्केट जहाँ पर हमारी फॉरेन करेंसी को बेचा और खरीदा जाता है वो मार्केट क्या कहलाती है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि जहाँ पर हम फॉरेन करेंसी को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कि संसार की विभिन्न देशों की करेंसियाँ जिस बाजार में खरीदी और बेची जाती हैं उस बाजार को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार, कि जहाँ पर दूसरे देशों की या हम कह लें विदेशी करेंसियों को खरीदा और बेचा। हमें केस के डॉलर की जरूरत है तो वहाँ हम क्या है, रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जिस मार्केट से हम ऐसा करवा सकते हैं वो मार्केट हमारी क्या कहलाई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन आता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारे इम्पोर्टर हैं। इम्पोर्टर क्या है, उनको इम्पोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, जिस देश से, मान लो अमेरिका से वो इम्पोर्ट करें तो अमेरिका का डॉलर चाहिए, तो रुपये को किस में कन्वर्ट करवाएंगे, डॉलर में कन्वर्ट करवाएंगे। एक्सपोर्टर हैं, तो जो जिन्होंने एक्सपोर्ट करवाए, मान लो एक्सपोर्ट करने के फलस्वरूप इंडियंस को पौंड मिलेगा, अब वो इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो पौंड की जरूरत तो नहीं है उसको, उसको रुपी चाहिए, तो उसको वो पौंड को क्या कर लेता है, रुपीज में कन्वर्ट करवा लेता है। टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट जो बाहर घूमने जाना चाहता है, जिस देश में वो घूमने चाहेगा उसको उस देश की करेंसी की जरूरत है। कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व होता है क्योंकि कमर्शियल बैंक भी क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कार्य करता है, ये भी क्या करता है, हमारा कन्वर्ट करने का कार्य करता है, किसका, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट हमारी किसके थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू ये कार्य करती है, कि हमारी विदेशी विनिमय बाजार का कार्य करती है, कि यहाँ से भी हम क्या करते हैं, अपने रुपीज को जिस भी करेंसी में चाहे मांग उसी करेंसी में क्या करवा लेते हैं, कन्वर्ट करवा लेते हैं। ब्रोकर हैं, NMC हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इनको भी क्या चाहिए, किसी न किसी देश की करेंसी चाहिए चाहिए होती, तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं। देखो, एक इंडियन फर्म है, उसने एक्सपोर्ट किया यूके फर्म को, यूके फर्म क्या है, इंपोर्टर है, इंडियन फर्म क्या है, एक्सपोर्टर है। अब क्या किया, यहाँ मान लो हमने कोई भी मशीन एक्सपोर्ट की है, तो इसने इस मशीन के बदले हमें क्या कर दिया, पेड पौंड, पौंड में क्या किया है, हमें पे किया है, तो पौंड किसके पास आ गया, इंडियन फर्म के पास आ गया। अब इंडियन फर्म को उस पौंड की जरूरत नहीं है, वो कमर्शियल बैंक के पास गई और इस कमर्शियल बैंक से कहती है कि मुझे इस पौंड के बदले क्या चाहिए, रूपी चाहिए। तो यहाँ ये कमर्शियल बैंक क्या करता है, उस पौंड के बदले इसको क्या कर देता है, रूपी में ट्रांसफर, रूपी दे देता है। अब ये इसके पास, कमर्शियल बैंक के पास हमारा क्या आ गया, पौंड आ गया। अब एक इंडियन टूरिस्ट है जो यूके जाना चाहता है घूमने के लिए, तो उसको वो यहाँ से जाएगा, वो जाएगा कि मैं ये क्या देता है कि मैं रुपी देता हूँ और मुझे क्या चाहिए, पौंड चाहिए। तो ये कमर्शियल बैंक इसका रुपी ले लेता है और पौंड क्या कर देता है, इसको देता है, और जो रुपया था रुपी इसके इसको दिया। तो इस प्रकार से ये जो कमर्शियल बैंक है, ये क्या, इसने क्या किया, बिचौलिए का काम कर दिया। तो ये हमारा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न देशों की करेंसियों को खरीद और बेच सकते हैं। तो विभिन्न देशों की करेंसी थी कि हमने अपने रुपए को पौंड में कन्वर्ट करवा लिया, पौंड को रुपी में कन्वर्ट करवा लिया, डॉलर से है उसको हम रुपी में कन्वर्ट करवाते हैं, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, कि जिस भी देश की मुद्रा की ज़रूरत होती है हम उसी देश की मुद्रा के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस करवा लेते हैं। तो ये है हमारा, फिर है हमारी ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो टू टाइप से कार्य करता है, कि ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
तो एक होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट उसी टाइम, या करंट मार्केट भी बोल देते हैं, कि इसमें क्या होते हैं करंट ट्रांजैक्शन की जाती हैं, उसी समय के लेन देन का कारोबार ये मार्केट करती है, ये किसी भविष्य के लेन देन का कारोबार नहीं करती, ऑन द स्पॉट। तो इसमें जो विनिमय दर निर्धारित होगी उसको हम क्या कहेंगे, करंट एक्सचेंज रेट, कि उसी समय तात्कालिक विनिमय दर है ये हमारी, उसी समय निर्धारित हुई है। तो स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन इज दैट मार्केट फॉर विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजैक्शन, कि सिर्फ जो स्पॉट को हम करंट भी कह सकते हैं, कि करंट ट्रांजैक्शन का जो कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट कहते हैं। तो इसका टाइम, ये इस ट्रांजैक्शन का टाइम सिर्फ टू डेज होता है, दो दिन के अंदर ये होता है। इस एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं कि हमने इंडियन फर्म ने क्या दिया, यूके फर्म को मशीनरी सप्लाई की है, तो ये इम्पोर्टर थे, इनके पास हमारी मशीनरी चली गई। अब मान लो यहाँ पर 1 pound = 60 rupees है, हमें जो पैसा मिला हम कमर्शियल बैंक के पास गए, कमर्शियल बैंक ने इस विनिमय दर, ये क्या थी करंट, आज जो प्रचलित दर थी उस पर हमारे ये कन्वर्ट कर दिए, जो पौंड थे उसके बदले में हमें क्या मिल गए, रुपीज मिल गए। तो ये हमारे तत्कालिक विनिमय दर भी हम इसको कहते हैं। तो ये करंट ट्रांजैक्शन का कार्य करता है, भविष्य से इसका कोई संबंध नहीं है, दैनिक प्रवृत्ति के हैं ये कार्य, आज है तो आज की विनिमय दर पर ही होंगे। तो ये ट्रांजैक्शन हमने आज की है, आज हमने इनको मशीन एक्सपोर्ट की है, तो ये इम्पोर्टर था, इन्होंने हमें भुगतान कर दिया पौंड के रूप में, तो पौंड के रूप में हमारे पास आया, हमने वो कमर्शियल बैंक से क्या करवा लिया, कन्वर्ट करवा लिया। तो 1 pound = हमारे 60 rupees से, तो उस दर के हिसाब से हमारा ये पैसा कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी ट्रांजैक्शन होने में सिर्फ 2 days का समय होता है, 2 दिन लगते हैं, उसे ज़्यादा का समय नहीं लगता। फिर दूसरी मार्केट है हमारी फॉरवर्ड मार्केट, तो नाम से ही है स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट, उसी में फॉरवर्ड जिसको फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये हमारी मार्केट क्या है, भविष्य से संबंधित जो लेन देन होते हैं उनका कारोबार करती है। इनमें क्या होता है, प्रपत्रों पर जो सिग्नेचर होते हैं वो तो आज होते हैं, लेकिन लेन देन क्या होता है, भविष्य की किसी तिथि पर किया जाता है। हम आज कोई लेन देन नहीं करते, आज तो हमें क्या सिग्नेचर करने हैं। हम ले एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, हमने मान लो अमेरिका के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, कि हम आज की दर पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिग्नेचर हो जाते हैं कि 3 महीनों में हम ये सामान, या 2 महीने में इतना सामान आपसे लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज जो अमेरिका डॉलर की प्राइस है वो प्राइस कल क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। तो उस एडवर्स इफेक्ट को हमने क्या कर लिया, पहले से उसका अनुमान लगा लिया, और उससे बचने के लिए हमें पता है कि आज क्या है, 1 American dollar = क्या है, 65 rupees है, कल को ये 70 होने वाला है, तो हमें तो फिर ज़्यादा देना पड़ेगा, हमारे रुपए की परचेजिंग पावर फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस एडवर्स इफेक्ट के बचने के लिए आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कि आज हमने ये सिग्नेचर कर दिए कॉन्ट्रैक्ट पर, कि आने वाले 2 महीनों में हम इतने करोड़ रुपए की वस्तुएं आपसे लेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हम उस समय जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसको हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो ये हमारी ऑन द स्पॉट होती है, कि ऑन द स्पॉट मान लो $1 = 60 rupees है, और हमारी जो फॉरवर्ड है वो $1 = 65 rupees हो सकती है। तो ये है हमारा, तो इसमें हमारा क्या होता है, कि हमने भविष्य में किसी तिथि को पूरा होने वाले लेन देनों का कारोबार किया है। तो हमने पहले प्रिडिक्ट किया है कि ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारा रुपी की कीमत घट जाएगी, अमेरिका डॉलर महंगा होगा, तो उसकी वैल्यू के कारण हमें ज़्यादा का त्याग करना पड़ेगा। तो हमने पहले ही सोच लिया और पहले उसे बचने का उपाय कर लिया। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो विनिमय दर निर्धारित हुई उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो इस तरह से हमने कह लिया कि हमने ये यूके फॉरेन्स थी तो इसको भेजा। अब हमारे पास इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 3 months का टाइम होता है, फॉरवर्ड मार्केट में जो टाइम होता है वो 3 months का होता है, यहाँ 2 days का होता है। तो इसमें हमने 2 महीने आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, तो मैं जो हमारा
बिचौलिया है वो हमने कमर्शियल बैंक लिया, हम आरबीआई भी ले सकते हैं, हम ब्रोकर भी ले सकते हैं जिससे हम अपने रुपये को कन्वर्ट करवाते हैं। तो यहाँ हम गए, अब हमने कहा कि हमें यूके से मशीनरी, हमने मान लो अब हम क्या हैं, इम्पोर्टर हैं, हमने यहाँ से खरीदी है, अब यूके इम्पोर्टर नहीं है, अब इंडिया इज इम्पोर्टर, भारत क्या है, आयात करने वाला देश है, इसने यूके से मंगवाई है। तो ये अब यूज कहेगा इसके साथ हमने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी 2 महीने के अंदर हम इतना सामान आपसे लेंगे। अब बाहर कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और ये इंडियन फर्म यहाँ गई और इससे ये कहा कि 2 महीने बाद मुझे इतनी करेंसी चाहिए और वो कौन सी चाहिए, पौंड चाहिए। तो वो जो विनिमय दर वहाँ पर जो निर्धारित हुई, वो विनिमय दर हमारी कौन सी विनिमय दर होगी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो फॉरवर्ड मार्केट में जो भविष्य के लेन देन हैं उनका कारोबार किया जाता है, एट प्रेजेंट के या करंट ट्रांजेक्शन से इनका कोई लेन देन नहीं होता। तो रिस्क से बचने के लिए, और कई बार मार्केट को प्रिडिक्ट कर कर हम उस रिस्क से बचना चाहते हैं, कई बार हम क्या चाहते हैं, सट्टे से क्या है, फ़ायदा कमाना चाहते हैं कि आज कर लिया इस प्रकार से, यहाँ जब हो जाएगी तो हमें इतना फ़ायदा हो जाएगा, उससे हम फ़ायदा कमाना चाहते हैं, इसलिए भी हम ये फॉरवर्ड मार्केट में। तो यहाँ से जो विनिमय दर निर्धारित हुई तो हमने इस पर लिया, तो ये हमारा इनमें जो करंट थी मान लो और ये फॉरवर्ड थी, तो दोनों में हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ये आगे हम निकालना भी देखेंगे कि इसको फिर क्या कहा जाता है, कि करंट में हमारा 65 माइनस 60 इज इक्वल टू 5 का डिफरेंस है, तो ये नेक्स्ट जब हम करेंगे तो इसमें ये सारा डिटेल से करेंगे कि इस डिफरेंस को क्या कहते हैं और इसकी रेट किस प्रकार से निकाली जाती है। फिर है हमारा कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसके फंक्शन क्या है, फॉरेक्स मार्केट के क्या क्या फंक्शन है। फॉरेक्स मार्केट का जो पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन, कि ट्रांसफर, ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर ट्रांसफर ऑफ, हमने क्या है इंडिया में गुड्स खरीदी हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं होती तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, वहाँ कोई हम गुड्स नहीं खरीद सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स है इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अब हम गुड्स कहाँ भी खरीद सकते हैं, अमेरिका में भी खरीद सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया, परचेजिंग पावर का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब हमारे पास तो रुपीज़ था, रुपीज़ से हम यहाँ खरीद सकते हैं, लेकिन उस रुपीज़ को हमने कहा कि हम डॉलर में कन्वर्ट करवा लेंगे फॉरेक्स मार्केट के कारण, और हम मान लो कहीं भी घूमने गए वहाँ से कुछ खरीदा, तो कहीं भी जाकर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, दैट्स मीन ट्रांसफर फंक्शन। फिर है क्रेडिट फंक्शन, कि फॉरेक्स मार्केट हमें क्या देता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर पाते हैं। फिर है हेजिंग फंक्शन, तो हेजिंग फंक्शन में हमारा क्या होता है कि जोखिम से बचने का हम पहले ही क्या कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि फॉरवर्ड मार्केट में हम क्या करते हैं, जोखिम से बचने का पहले उपाय कर लेते हैं, हमें पता है कि जो डॉलर है या पौंड है उसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, तो जो हमारा इम्पोर्ट हम कर रहे थे उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, कि पहले हम 60 रुपीज़ में वो गुड्स लेके आते थे, अब उसी गुड्स की हमें क्या 65 देने पड़ेगी, इसका मतलब परचेजिंग पावर ऑफ रुपी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो उससे बचने के लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, पहले ही एक समझौता कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि भविष्य में वो लेन देन हम कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या थे, फंक्शंस थे इसके। फिर हमारे पास आता है कि जो एक्सचेंज रेट थी, हमने कहा था कि जो हमारा गोल्ड या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थी, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारे पास प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड चाहिए था, जिसके पास गोल्ड नहीं था वो इतने सिक्के नहीं बना पाता था, तो काफ़ी कुछ इसमें क्या थी, प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर हमारी क्या आ गई 1977 से, वो तो सारी खत्म होगी, 1977 से क्या होगी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट स्टार्ट होगी। तो क्या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी कोई इशू था या नहीं था, देखो फ्लेक्सिबल हम कहेंगे वो अब तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल में तो क्या था, ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है, ऑटोमेटिक अपने आप एडजस्टमेंट का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई अपने आप सब कुछ एडजस्ट कर लेती हैं, कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं बहुत सारे पर्पज़ जो हमने पढ़ा है, कि घूमने जाना चाहते हैं, कोई इलाज करवाने के लिए फॉरेन में जाना चाहते हैं इसलिए चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर हम फॉरेन से इम्पोर्ट करना चाहते हैं,
कई सो मैनी रीजन्स हैं जिनके कारण हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, उसी प्रकार फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी उससे भी उपकृत हो गई हमारे, कि विदेशी हमारे देश में आना चाहते हैं तो हमारी सप्लाई आ जाती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे विदेशी मुद्रा हमारे पास आ जाती है, तो उसके कारण डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर इंटरसेप्ट करती है वहाँ पर हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाती है। तो कोई मुद्दा ही नहीं, वो तो अपने आप हो गई, सरकार का तो कोई कार्य ही नहीं बचा। लेकिन नहीं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सरकार के लिए भी काफ़ी मुद्दा है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अपने आप में ही क्या है, एक इश्यू है, क्योंकि क्या होता है जब एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट होती रहती, कभी कम कभी ज़्यादा, तो क्या होता है फॉरेनर जो हैं वो हमारे देश में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं कितना लगाएंगे कितना लेके जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है। तो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज हर रोज फ्लैक्चुएट करती है, तो जो हमारा जो विकास है वो किस पर डिपेंड है, हमारा जो घरेलू विकास है, इंडिया जैसी जो कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसका जो विकास है वो हमारा डिपेंड करता है FDI, फॉरेन डोमेस्टिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी पर। तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी जरूरी है, यदि वो स्टेबल नहीं होगी तो फॉरेन डोमेस्टिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में नहीं आएगा, नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी ग्रोथ रेट प्रभावित होगी, क्योंकि उसके कारण एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ग्रोथ रेट होती है, तो वो इफेक्ट होगी। तो सरकार के पास फिलहाल भी ये नहीं है कि समस्याएं छट गई, बादल ख़त्म हो गई समस्याओं के, नहीं, अभी भी है हमारे सिर पर, कि अभी भी हम क्या करते रहते हैं, ये होता रहता है कि हम हमारे पास सरकार के पास ये एक मुद्दा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम ज़्यादा कम या ज़्यादा न होने दें। इसके बीच में जो हमारा स्थिर विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर, एक और विनिमय दर भी आती है जिसको हम गंदी तरणशीलता कहते हैं, तो इसमें हमारी क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट को ये मुद्दा हमारा आ गया, तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता ये नहीं कहता कि सेंट्रल बैंक बीच में इन्वॉल्व हो, लेकिन सेंट्रल बैंक इन समझौतों की बात को ताक पर रख करके क्या कर लेता है, जोड़ तोड़ इस प्रकार से करता है कि यदि मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो उसको अपने पास रख लेता है, और डिमांड बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक के पास जितनी भी फॉरेन करेंसी उसको मार्केट में उतार करके, तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जिस ताकि क्या रह सके, फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो एक मर्यादा के अंदर रह सके, बहुत ज़्यादा गैप ना हो, तो उसको मर्यादा के रख के अंदर रखने के लिए कौन बीच में बढ़ता है, जो हमारा RBI या सेंट्रल बैंक हम कह सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करता है, फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को इस प्रकार से कंट्रोल करता है कि ना तो हमारी एक्सचेंज रेट को हद से ज़्यादा बढ़ने देता, ना हद से ज़्यादा घटने देता, तो इसको हम क्या कहते हैं, गंदी तरणशीलता कहते हैं। तो वैसे तो हमारी एक्सचेंज रेट हमने कहा स्थिर विनिमय दर है, परिवर्तनशील विनिमय दर, और लेकिन तीसरे टाइप्स की भी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक टॉपिक तो है गंदी तरणशीलता जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमारा गंदी तरणशीलता में डर्टी फ्लोटिंग जो है हमारी, तो इसमें केंद्रीय बैंक बीच में आकर ऐसा जोड़ तोड़ करता है, सारे इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको ताक में, अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझौते हैं उनको ताक में रखकर वो क्या करता है, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करता है कि डिमांड ज़्यादा है फटाफट से उसके पास रिजर्व में जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो मार्केट में उतार देता है, ताकि हद से ज़्यादा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट ना बढ़े, और कम होती है तो जो फालतू की फॉरेन करेंसी है वो खरीद के अपने पास रख लेता है। तो इस प्रकार से हमारे तीन जो हैं वो एक्सचेंज रेट हैं, तो जो एक्सचेंज रेट हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड हमारा एक टॉपिक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।